डकाला जी हाँ जी, ये सरपंच हैं, ये भी बहुत ही सरपंच एसोसिएशन के शाहबाद के वाइस प्रधान भी हैं। हम उनका भी कांग्रेस पार्टी में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत करते हैं। सरपंच कृष्ण लाल जी अहमदपुर से हैं, ये भी आज बीजेपी पार्टी का दामन छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। इनका भी हम बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। हमारे बीच में कमलजीत सिंह जी सरपंच टिगरी, वो भी आज बीजेपी पार्टी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। हम सभी सरपंच साथी जो कांग्रेस पार्टी में, हम इनका बहुत ही मान सम्मान करते हैं। बैठ कर लेंगे लोग, एक मिनट में। हमारे आज हमारे बीच में हमारे साथी, एक मिनट, नाम दे दे। हमारे साथी मदन सैनी जी जो सरपंच हैं सुरखपुर गांव के शाहबाद ब्लॉक के, इनके साथ ही हमारा छोटा भाई है कुलविंदर डकाला, गांव के सरपंच हैं। भाई कृष्ण लाल अहमदपुर गांव के सरपंच हैं। भाई कमलजीत सिंह तिगरी गांव के सरपंच हैं। आज ये सभी साथी कांग्रेस पार्टी में शामिल हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की ओर से मैं इनका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इन्हें विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी में उनका पूरा सम्मान होगा। आज की जो मौजूदा सरकार है, जिसका लोकतंत्र पे विश्वास नहीं रहा, जो प्रजातंत्र को पैरों तले दोद के लोकतंत्र को खत्म करना चाहती है, लोगों की आवाज़ दबाना चाहती है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो। केंद्र की सरकार जहां सीबीआई आईडी का इस्तेमाल कर रही है, अभी आपने देखा कि किस प्रकार से राहुल गांधी की सदस्यता रद्द करवाने का काम किया। अब सतपाल मलिक जी अगर उनके खिलाफ आवाज उठाई तो उनको भी सीबीआई के नोटिस भेज दिए। तो ये प्रजातंत्र में शब्द आते ठीक नहीं। और इसी प्रकार हरियाणा की सरकार तो लट से चलती है, जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाता है, चाहे आशा वर्कर हो चाहे आंगनवाड़ी वर्कर, उन पर लट बरसाए जाते हैं। किसानों पे लट बरसाने का काम करते हैं, सरपंचों पे लट बरसाते हैं, कर्मचारियों पे लट बरसाते हैं। तो ऐसे में आज पूरे देश और प्रदेश के लोग बदलाव चाहते हैं और विकल्प केवल कांग्रेस पार्टी है। और जिन साथियों ने आज संघर्ष, क्योंकि आज तो संघर्ष में, राज को छोड़ के संघर्ष में हमारे साथ आए हैं, इनका पूरा सम्मान मिलेगा और इनका संघर्ष रंग लाएगा, निश्चित रूप से बदलाव होगा और हरियाणा प्रदेश और देश में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। इसी कड़ी में 30 तारीख इतवार को शाम 5 बजे चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी, जो पूर्व मुख्यमंत्री है, नेता प्रतिपक्ष हैं, वो कुरुक्षेत्र में कार्यकर्ताओं से रूबरू होंगे। उनके सम्मान में एक जलपान समारोह रखा गया है, उस पर भी हम सबको निमंत्रण आप भी देते हैं आपके माध्यम से कि सभी लोग आए, अपनी कोई समस्या हो, कोई भाषणबाजी नहीं होगी, लोगों की समस्याएं सुनेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। पंजाबी धर्मशाला में 30 तारीख को 5 बजे हुड्डा साहब आए, कुछ लोग शामिल होने और भी लंबी कतार लगती है। देखिए, जो लोग बदलाव चाहते हैं